हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो डिप्सार के एडमिशन के रिगार्डिंग होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट ने अप्लाई कर रखा है, आपको पता होना चाहिए कि अब डिप्सार में जो है कोर्स प्रिपरेशंस चल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कब तक मेरिट लिस्ट आने वाली है और साथ ही साथ मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा। बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये मेरी वेबसाइट है www.pharmaviewonline.com, जहां पर आपको फार्मेसी कॉलेज से रिलेटेड आकर के इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे कोई स्कोप की बात हो, ये सारे की सारी आपको इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर मिल जाती है। तो दोस्तों, चैनल पर जाकर के विजिट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट रहते हैं, कुछ भी अगर डाउट रहते हैं, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़ करके या तो आप लोग मेरे यहाँ पर वेबसाइट पर भी ऑप्शन है मैसेज करने का, डायरेक्ट मैसेज करके, और आप लोग मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलो हम आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो देखो, जैसा कि मैं बता रहा था कि क्या प्रोसीजर होने वाला है, तो आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म तो भर लिया होगा, ठीक है। तो ये एक कंसाइज में मैंने बता दिया है कि क्या क्या एडमिशन प्रोसीजर होने वाला है पूरी तरीके से। इसको हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसका जो है आपको मैंने वीडियो बनाया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, और साथ ही साथ जिनका जो है डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रहा है उनको एक ईमेल आ रहा है। उसी के बारे में बता रहे हैं कि जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया था उसके बाद से क्या हुआ था, आपके पास एक ईमेल भेजा जा रहा था रिगार्डिंग द डिफिशियंट डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी कमी है तो उसके रिगार्डिंग आपके पास ईमेल जा रहा था। साथ ही साथ अगर आप लोग जो है ईमेल को देखते हो तो आपको ये पता चलता है कि आपको डॉक्यूमेंट में कौन सी कमी है, उसको आप लोग फिर पोर्टल पर अपलोड करना था। उसके बाद दोस्तों वो वेरिफिकेशन हो जाना था, ठीक है। अब वेरीफाइड होने के बाद का क्या प्रोसीजर होता है, वेरीफाइड होने के बाद आपको जो है काउंसलिंग के लिए तो बाद में जाना पड़ेगा। सबसे पहले जो होगा ना वो होगा दोस्तों आपकी कोर्स प्रेफरेंस। यहाँ पर देखो, कोर्स प्रेफरेंस जो है चल रही है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा था कैसे कैसे कोर्स प्रेफरेंस करना है, किसको जो है कौन सा कोर्स मिल सकता है। इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको जो है ज़रूर देख लेना। इसके बाद क्या होगा, कोर्स प्रेफरेंस फिल करने के बाद आपको जो मेरिट लिस्ट निकलेगी, ओके, क्या निकलेगी, मेरिट लिस्ट निकलेगी। अगर मेरिट लिस्ट निकलती है और अगर आप लोग जो है मेरिट लिस्ट निकलती है आपका उसमें नाम आ जाता है, आप लोग पेमेंट कर लेते हो, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आप लोग जो है सीट अलॉट हो जाता है। आपको क्या करना है, सीट अलॉट जब हो जाएगा तो आपको फ़ीस पेमेंट करना है, ओके। अब देखो, यहाँ पर काफ़ी बच्चों के डाउट होंगे कि सीट अलॉट तो हो जाएगा, ठीक है, उसका पेमेंट कर देंगे, फिर आपका क्या होगा, आपको जो है यहाँ पर एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रोविजनल जो है मेरिट लिस्ट मतलब प्रोविजनल आपको एडमिशन का स्लिप दे दिया जाएगा। अगर आपका सीट अलाटमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है, आप लोगों ने सीट अलाटमेंट के लिए फॉर्म भर रखा है, अगर आपका सीट अलाटमेंट नहीं हो पाता है, इन दैट केस आपको क्या करना है, नेक्स्ट राउंड में कंसिडर कर लीजिएगा आपको काउंसलिंग के लिए। यानी कि अगर आपके मेरिट अच्छे खासे रहे तो आपको अगर सीट अलाटमेंट हो जाता है, आपने पेमेंट किया, तब तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका नहीं हो पाता है तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा। साथ ही साथ देखो, अगर आपके जो है नाम आ जाते हैं तो आपको क्या करना होगा, अगर आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर देते हो, ठीक है, तब तो आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो जाएगा। अगर नेम आने के बाद भी आप लोग जो है फीस पेमेंट नहीं करते हो तो आपको जो है पेमेंट कर दिए तब तो आपका फीस जो है सीट कन्फर्म हो गया। अगर नहीं कर पाते हो इस केस में क्या होगा, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। और देखो, ये वही कंडीशन है अगर आप लोग फीस पेमेंट नहीं कर पाते हो और काउंसलिंग से जो आप बाहर हो जाते हो, ठीक है। अब चलो, यहाँ पर बात आती है, अगर आप लोग फीस पेमेंट कर दिए हो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा। देखो, प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको जनरेट हो जाएगा, प्रिंट कर लेना, ठीक है। अब इसमें भी आएगा एक ऑप्शन सीट फ्रीज करने का। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। अगर आप लोग सीट फ्रीज कर देते हो तब आप लोग नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब क्या है, लाइक दिस, समझना आप लोग बात को। लाइक आपने पहला प्रेफरेंस बी फार्मा डाला था, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि आपको डी फार्मा मिला है, क्या डी फार्मा मिला है। अब इस केस में क्या होगा, आपको जब सीट फ्रीज नहीं करना है, पेमेंट कर देना है लेकिन सीट फ्रीज नहीं कर देना। क्यों, अगर आप लोग सीट देखो फ्रीज कर लोगे तो आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो जाएगा। अगर नहीं करोगे ना तो आप लोग नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, नेक्स्ट राउंड के लिए जब एलिजिबल हो जाओगे आप, तो आप लोग नेक्स्ट राउंड में भी अपने मनपसंद कोर्स को फिल करके और काउंसलिंग करवा सकते हो। लेकिन वो तभी होगा जब आप लोग फीस पेमेंट किए रहोगे।
फीस नहीं पेमेंट किए रहोगे तो नहीं होगा। अब देखो इस कंडीशन में क्या होता है, मान जाओ आपने फीस पेमेंट कर दिया ओके, और आपके मनपसंद का कोर्स ही नहीं मिला यहाँ पर, लाइक आपने बी फार्मा के लिए यहाँ पर डी फार्मा के लिए भेज दिया, डी फार्मा कोर्स में फीस पेमेंट करके, और आप लोग चाहते हो कि चलो अगर चांस मिलेगा तो आपको बी फार्मा मिल जाएगा, और आप चाहते नहीं हो कि यार देखो बी फार्मा आपको मिल जाता है तो ठीक, या तो कोई और आपको कोर्स नहीं चाहिए, उस कंडीशन में क्या होगा, आपके 2000 रुपये डिडक्ट होंगे और बाकी सारे के सारे पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे आपके अकाउंट में। समझ में आई बात? कहने का मतलब यह है कि आप लोगों ने अगर सीट को अलाटमेंट करवा लिया, पैसे पेमेंट कर दिए और सीट फ्रीज नहीं किया, अगर आप लोग नेक्स्ट राउंड में जाते हो ठीक है, और आपको नेक्स्ट राउंड में जाने के बाद भी आपके मनपसंद का कोर्स नहीं मिला, उस कंडीशन में आपके 2000 रुपये डिडक्ट होंगे और यूनिवर्सिटी से आपको सारी की सारी फीस रिफंड करा ली जाएगी। ठीक है, चलो ये इन्फॉर्मेशन है। और देखो इस वीडियो में जो है आपको कुछ ना कुछ जानकारी नहीं मिली होगी, अगर कोई डाउट रहता है तो मेरे डायरेक्ट जो है इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर देना, या तो आप लोग मेरे वेबसाइट पे जाकर मैसेज कर देना। रिप्लाई करने में थोड़ा लेट होगा क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो काफ़ी मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। चलो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिला हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा।